सॉरी, टाइम देख रही हो अभी तक सो रही हो तुम। ओ ना जी ना, मैं कोई लव लेटर शव लेटर नहीं देता। ओ मैं तो जी डायरेक्ट बात करता हूँ, इसलिए तीन बीवियों का इकलौता शोरूम। और अच्छा ये बताएं कि ऑफिस में पाए जाते हैं, आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। तो पता नहीं कैसा घर संभालती है कि कोई चीज ही नहीं मिलती। मैंडी, मैंडी यार चीनी कहाँ पर है? तुम नाश्ता भी अपने लिए बनाओ, ऊपर से ये भी नहीं पता कि चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं। मैंडी, मैंडी, मैंडी उठो, उठो। यार मुसीबत है यार, आपने क्या प्रॉब्लम किया है तुम्हारी? टाइम देख रही हो अभी तक सो रही हो तुम। टाइम जो भी हुआ, अब मुझे से क्या है, मेरा रोजा, मुझे सोने दो बस। तो मेरा तो नहीं है ना, तो इसमें कोई तो नहीं बात है, तुम तो हो ही रोजा चोर। इसका जवाब ना मैं तुम्हें बाद में दूंगी, पहले ये तो बताओ कि चीनी कहाँ है? चीनी चीन में होगी, और कहाँ? मेरा मतलब है बेवकूफ, चाय में डालने वाली चीनी कहाँ है? अच्छा खत्म हो गई है यार। खत्म हो गई है इतनी जल्दी? एक किलो तो चीनी मंगवाती हो, अब क्या वो पूरा साल चले? अच्छा तो इस दफा ना 1.5 किलो ले आओ। ले आओ, ले आओ क्या मतलब, जाके तुम खुद लेके आओ। तुम भी इस घर में रहती हो, एक आधा काम करना तो तुम्हारा भी बनता है ना। मैंडी उठो ना, उठो। ओह वो यार, अच्छा लौट गई हूँ, लाओ पैसे दो। पैसे दो? तुम्हारे पास जो पैसे थे वो कहाँ हैं? वो तो खर्च हो गए हैं। कहाँ खर्च किए हैं तुमने इतने पैसे? कहाँ? क्या मतलब, अब मुझे तुम्हें हिसाब भी देना पड़ेगा? हाँ लूंगी हिसाब, 1500 की पेमेंट कोई मामूली नहीं होती। बताओ कहाँ लगाए पैसे तुमने, बताओ जल्दी। अच्छा देती हूँ हिसाब, वो 600 रुपया धोबी को दिया था, और 400 रुपए दूध वाले को, और बाकी के मैं नगर से आई। हो गया हिसाब अब। अच्छा ठीक है, तो फिर चीनी ले आओ और मुझे ना नगर ट्राई कर, मुझे बहुत भूख लग रही है। सॉरी नहीं बना के दे सकती। क्यों? क्योंकि वो मैंने सैडी में चुका लिए थे। मैंडी, गॉड डैमिट, आई किल यू। ओह ये बड़ी गर्मी है यार भाई, तो सच में यार बहुत ही गर्मी है। गर्मी की बच्ची कहाँ मर गई थी? अब ये बताओ कि चीनी मिली? नहीं नहीं मिली। क्यों? मुझसे क्यों पूछ रही हो? उनसे पूछो ना जिन्होंने रिलीफ देने के वादे किए थे। हुकूमत चलाने और अवाम को बहलाने के लिए ना वादे करने पड़ते हैं स्टूपिड। तुम पहले मुझे ये बताओ कि चीनी क्यों नहीं मिली? बताया तो है नहीं मिली, तो इसका मतलब है नहीं मिली। तो तुमने सस्ते बाजार की बजाय किसी और स्टोर पे देख लेना था, हो सकता है चीनी मिल जाती। पास वाले सब स्टोर्स पे गई हूँ लेकिन चीनी कहीं भी नहीं मिली। तो वो जो मेन रोड पर वो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर? वो भी बिल्कुल कौमी खजानों की तरह खाली पड़ा है। क्या मतलब चीनी वहाँ भी नहीं है? चीनी तो क्या, मसाले, दालें, शरबत, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी नहीं है। तो अब हम चाय कैसे पियेंगे? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सब पीती है, बगैर शुगर के। साजिद भाई से पूछ लेना था, इनके पास तो होती है ना चीनी। यार मैं उनके स्टोर पे भी गई थी लेकिन वहां पे चीनी का नामो निशान नहीं है। मैडी तुम्हें तो ना किसे कॉल कर रही हो? हेलो नदीम भाई, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक। मैंने कहा आपने तो मुझे याद करना ही नहीं, मैं आपको कॉल कर लूं। अच्छा ये बताएं कि ऑफिस में पाए जाते हैं, आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया।
अरे नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा मैंने पूछना था कि आपकी ऑफिस की क्या टाइमिंग है, मैं एक्चुअली आपसे मिलना जा रही थी। जी जी एक जरूरी काम है। चलिए ठीक है फिर आप कल आ जाएं घर। जी चलिए हम आपका इंतजार करेंगे। जी ओके बाय। यस फॉरवर्ड। यस व्हाट। अरे आ रही हूँ आ रही हूँ, छुरी नीचे सांस तो लो। हाँ जी जी मैं शबीर। तो मैं क्या करूँ? आपका नाम क्या है जी? अरे अरे कितने बेशरम इंसान हो, एक लड़की के घर आके उसके दरवाजे पे क्या पूछती हो कि तुम्हारा नाम क्या है? ओ नहीं जी, ओ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ देना है। क्या तुम शाहरुख खान समझते हो अपने आप को? क्या मतलब जी? देखो अगर तुमने मुझे लव लेटर देने की कोशिश की ना तो मैं शोर मचाऊंगी और फिर तुम। अरे अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रही हो और तुम किससे बातें कर रही हो? जी मैं शबीर। और ये मुझे लव लेटर देने आया है? ओ ना जी ना, मैं कोई लव लेटर शव लेटर नहीं देता। ओ मैं तो जी डायरेक्ट बात करता हूँ, इसलिए तीन बीयों का इकलौता शोरूम और चौथी की तलाश है जी। सीधी बात करो, ये बताओ यहाँ क्यों आयो? ये जी आपका पता है जी ना तो यही का है। तो फिर खोले जी बड़ा गेट। अरे अरे क्यों खोले, क्या तुमने अंदर सफाई करनी है? बाजी जैसे मुंह वाली। तो मुझे नदीम साहब ने भेजा है जी और मैं माल की डिलीवरी देने आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा आप डिलीवरी देने आए हैं, मैंने आपको पहचान लिया। जल्दी दरवाजा खोलो। अरे मुझे भी तो कुछ बताओ, कैसा माल और कैसी डिलीवरी? मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, दरवाजा खोलो जल्दी करो। जी जी बस अभी अभी पहुंच जाए। जी नदीम भाई ये पेमेंट तो आप बड़ी ज़्यादा बता रहे हैं। देखिए सब कुछ मैंने यहाँ मैनेज करना है, सारी एफर्ट तो मेरी है, तो अगर आप थोड़ा चलें ठीक है वो तो हम तय कर लेंगे, तो पेमेंट का थोड़ा जी चलें ठीक है, अब वो सारी बातें ना हम बैठ के कर लेंगे जी। ओहो मुझे भी तो कुछ बताओ कि आखिर ये हो क्या रहा है? नए बिजनेस की प्लानिंग। नए बिजनेस की प्लानिंग मतलब एक बार फिर से मार खाने की तैयारी है ना? अरे नहीं इस दफा हमारा प्लान फुल प्रूफ है। देखो हम बड़ी बड़ी शॉप्स के ओनर्स के पास जाएंगे और उन्हें अपना सामान सेल आउट करेंगे और उनके आदमी आकर खुद हमारे घर से सामान लेकर जाएंगे। सिंपल माल। लेकिन माल में है क्या? चीनी, और वो भी सरकारी सस्ते बाजार की। ओह गॉड सैंडी, अब तुम सरकार की चीनी ब्लैक में बेचोगी? मैं नहीं हम दोनों। देखो मीटिंग्स मैं करूंगी और माल की डिलीवरी तुम। लेकिन यार अगर किसी को पता चल गया तो? शक्ल अच्छी ना ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। अरे यार पैकिंग चेकिंग चेंज कर लेंगे तो किसको पता चलेगा? और ले जी काम हो गया है, माल चेक कर लें और पेमेंट करा दें जी। ठीक है कितनी बोरी है? 40 बोरी है जी, और हर बोरी के अंदर 20 पैकेट है। चलो ठीक है मैंडी तुम बोरियां गिन लो और भाई पेमेंट हम आपको कल कर देंगे। पोजी मैं वैन के किराए की बात कर रहा हूँ। अच्छा कितना आपकी वैन का किराया? 3000 रुपये। 3000? तुम क्या ये बोरियां अफगानिस्तान से लेके आए हो? पर देखें जी मैं बोरियां कहीं से भी लेकर आ रहा हूँ लेकिन मैं किराया इतना ही लूंगा। अच्छा मैंडी मेरे पास तो नहीं है। वो जो कल मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो कहाँ गए? वो तो मैं दर्जी को एडवांस दे आई हूँ। ठीक है वैसे एक बात बताऊँ जी आपको, आप उससे बड़ी प्यारी लगती हैं।